नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। आइए डालते हैं एक नजर यूपी की सभी छोटी बड़ी खबरों पर। ऐसा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी से हमारी चर्चा चल रही है, लेकिन अभी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। जब फाइनल हो जाएगा आपको सबसे पहले कुशीनगर में 7 विधानसभा है, आपको क्या लग रहा है कि अपना दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के बीच में बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन अभी हम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। जब हम अपनी सीटों को फाइनल कर लेंगे, हम जरूर आपको सूचित करेंगे, पूरी सूची जारी करेंगे। आपको क्या लगता है पूर्वांचल में अपना दल उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनाने जा रहा है, वह पिछड़ों के लिए क्या सपा का बेहतर विकल्प बन सकता है? देखिए, पिछले 3 चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात का प्रमाण दिया है कि वो अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बहुत पसंद करता है, और इसके सकारात्मक परिणाम आपने देखे हैं। और आने वाले चुनाव में भी 3 चुनाव के जो नतीजे रहे हैं उसकी पुनरावृत्ति होने जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी प्रकार की कोई संदेह की दुनिया है। पिछली बार मैम जितना सीट मिला था, क्या इस बार उन्नति होगी कि उतने इस तक सीमित? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अपना दल का कारवां बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, सीटों की संख्या हम समय आने पे बता देंगे। हमारी अभी कार्यकर्ताओं से बात हुई है, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के तौर पे अनुप्रिया दीदी को देखना चाहते हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में हम राजग के घटक दल हैं, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, और राजग का चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। मुझे लगता है कि इस सवाल का कोई औचित्य नहीं बनता है, लेकिन मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो वो तो हमेशा ही मुझे बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहेंगे, तो कार्यकर्ताओं की भावना है तो हमेशा ही रहेगी, इसको आप कैसे डिनाई? अगर अपना दल की सीटें बढ़ेंगी तो क्या मुख्यमंत्री की चेहरा बन सकेंगे बनेगी? ये तो बड़ा काल्पनिक प्रश्न है, अभी तो हम सीटों की संख्या पहले फाइनल करेंगे, भविष्य में क्या जनता जनता का सवाल है कि 4.5 साल तक की आपकी पार्टी कहाँ थी, जनता का ये सवाल है। अरे, अपना दल एक ऐसी पार्टी है जो निरंतर संसद में सही है, निरंतर संघर्ष करती है, कोई ऐसा विषय नहीं है जो हम नहीं उठाते। कुशीनगर में कितने प्रत्याशी आएंगे? अभी मैंने आपसे कहा कि हमारा सीटों का डिसीजन फाइनल हो जाए, हम आपको बताएंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि कुशीनगर में कौन आएगा, हम कौन सी सीट लड़ेंगे। अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में हमारी चर्चा चल रही है। मैम, एक जो 69,000 भर्तियों की आपने बात की, एक तरफ गठबंधन में सरकार है आपकी और दूसरी तरफ आप ही की सरकार, ऐसा कहा जाए कि आप ही सरकार में वो 69,000 शिक्षक जो लखनऊ में पीटे गए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के जो हमारे छात्र हैं, वो मुझसे मुलाकात कर चुके हैं, और मैं इतना ही मैंने उनको विश्वास दिलाया है, आप मीडिया के साथ ही हैं, आप भी जानकारी कर रहे हैं,